हल्द्वानी की घटना पर उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता आईजी नीलेश आनंद भरने ने कहा कि घटना की जांच जारी है। वहीं पुलिस ने तत्परता के साथ काम किया। घटना के बाद से क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बंद है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हल्द्वानी के बनफुलपुरा क्षेत्र में सुबह से ही जो है पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा जो है वो फ्लैग मार्च किया जा रहा है, पेट्रोलिंग की जा रही है। स्थिति को जो है पूरी तरह नियंत्रण में कर लिया गया है। पुलिस पूरी तरह सुबह से चौकस है, अलर्ट मोड पर है, पूछताछ जारी है। सीसीटीवी फुटेज सुबह से खंगाला जा रहा है। अब तक जो है उसमें 15-20 लोगों की जो है वो धरपकड़ की जा चुकी है, जिसमें 4 लोग जो है चिन्हित, निश्चित तौर पे चिन्हित किए गए हैं, उनकी जो है गिरफ्तारी की गई है। उसके बाद जो है पुलिस जो है इसमें लगातार जो है अन्य जगहों पर भी अलर्ट है, और भी पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनी जो है पुलिस के द्वारा मांग की जा रही है। इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह रोक लगा दी गई है। किसी भी तरीके की आवाजाही पर जो है धारा 144 लागू होने के वजह से कोई जो जहां का तहां रुका हुआ है, और पुलिस जो है पूरी तरह इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त है। इसमें जो है पुलिस यूएपी की धारा के तहत भी जो है कार्रवाई इसमें करेगी, और उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा।